आप लोग अगर मुझे सुन सकते हैं और मेरी तस्वीर आ रही है तो मुझे काइंडली कमेंट करके बता दें। चलें, सर मियां शफीक जो कि मेरे आइडियल टीचर हैं, उन्होंने फरमा दिया है कि जी नाउ इट्स ओके। तो आज जो है थोड़ा सा तारुफ, सैयद नासिर जमाल शाह जो है मेरा नाम है एंड आई क्वालिफाइड सिविल सर्विस एग्ज़ाम इन 2013। I was allocated in Inland Revenue Service or for the last 3.5 years I have been teaching to aspirants of civil service exam or book bhi publish hui hamari contemporary essays ke naam se, usme 26 long essays humne jo hai wo likhe, introduce karaye और ताकि CSS के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी मुश्किलात को जो है वो कम किया जा सके। आई शल राइट अवे कम टू द टॉपिक। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि जी आपने अपने एसे के पेपर को जो है कैसे टैकल करना है। और पहले जो है हम थोड़ा जनरल एसे लिखने के जो है ना अपना जनरल रूल्स डिस्कस करेंगे। रूल्स डिस्कस करने के बाद हम जो है अपना फिर जो है इन डेप्थ ज़रा जाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी होती है और प्रॉब्लमेटिक या जनरल ऐसे जिसे मैं लिटरेरी भी कह लूँ, प्रोवर्बियल भी कह लूँ, आर्गुमेंटेटिव भी कह लूँ या किसी करंट इशू पे आ जाए तो उसको जो है आपने किस तरह टैकल करना है ऐसे को। तो सबसे पहले बेटा देखें, सबसे पहले व्हाट डज एसे मींस। एसे मींस टू अटेम्प्ट टू डिस्कस, टू एक्सप्लेन, टू इन्यूमरेट, नॉट टू डिफाइन। अक्सर देखा गया है कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये डिजीज़ लाहक होती है अनफॉर्चुनेटली कि वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं किसी भी टॉपिक को। तो आपने ऐसे को जो ऐसे के टॉपिक को जो है किसी तरह डिफाइन नहीं करना, आपने ऐसे के टॉपिक को डिस्कस करना होता है। ठीक है, आपकी लैंग्वेज जो होनी चाहिए सिंपल होनी चाहिए, आपके स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए। सिंपल लैंग्वेज से मुराद है शॉर्ट बट कंप्लीट सेंटेंसेस आप लिखें। ज़्यादा वर्बोसिटी आपकी लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए। हमेशा आप कोशिश करें कि अपने आप को एक्सप्रेस करें और एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, जिसकी वजह से आप लोग लॉन्ग, लेंथी और डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखते हैं उसमें गलती का जो अंसर है वो ज़्यादा होता है। तो आपको यही सजेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो आपने लिखना है सिंपल लिखना है और ऐसे के अंदर जो है कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, आपके बात से बात निकलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई बात करें और उसके बाद फौरन दूसरी बात शुरू हो जाए। अब बात को एक्सप्लेन करना कैसे होगा, ऐसे होगा कि मैं कहूं जी कि मियां शफीक साहब से मेरी बात हुई हुई थी कि मैंने उनके जो ये द CSS क्लब है इसमें आके मैंने अपना ऐसे राइटिंग पे लेक्चर जो है डिलीवर करना है, अपना हमारी ये जो टॉक है ये ऐसे को डील करेगी। फिर जो है मैंने उनकी मुझे फेसबुक पे कॉल आई, उसके बाद मैंने उनसे बात की, उसके बाद मैंने कहा सर मैं लैपटॉप से ऑनलाइन हो जाऊं या मोबाइल से हो जाऊं। मेरी कोशिश थी कि जी मैं लैपटॉप से हो जाऊं लेकिन लैपटॉप मेरे में जो वेबकैम है उसमें कोई इशू हो रहा था। तो फाइनली जो है मैंने डिसाइड किया कि जी मैं जो है मोबाइल से जो है अपना लाइव हो जाऊँगा। तो ये था, ये होती है कनेक्टिविटी, कोहेरेंस, बात से बात निकल रही है। ये नहीं कि जी मुझे मियां शफीक साहब ने हुक्म दिया और फौरन जी है जो मैं ऑनर, बात वाली बातें आप कैसे मिस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है अपना अगर मैं बात करूं तो अक्सर लोग पूछते रहते हैं जी फैक्ट्स एंड फिगर्स का क्या रोल है, ऐसे में रोल है, बिल्कुल है, लेकिन मैं कहूँगा कि रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखें जिनके बारे में आपके पास अथेंटिक राय है। और इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स ओवर एफिशिएंट होके इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है, जिनके बारे में यू पीपल आर नॉट श्योर। और अथेंटिक सोर्स जो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, आपने टाइम्स मैगज़ीन से पढ़ा है, डॉन न्यूज़पेपर से आपने रीड किया है,
तो काइंडली उसको जो है मेंशन कर दें जो भी आपने सोर्स है आपका। अब लॉन्ग ऐसे की अगर बात करें, आई वी आपने यूज़ नहीं करना। इसके अलावा किसी भी शख्सियत को, पॉलिटिकल शख्सियत को आपने डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ बेहतर है ना करें। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ आपने बच्चों कोई बात नहीं करनी। और जो है अपना इसके अलावा अल्लाह का भला करे, आपने स्टेट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना। गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी अपना रैशनल ग्राउंड पे, इरेशनल ग्राउंड्स पे आप जो है ये नहीं, आपको अलाउड आप नहीं कर सकते। अच्छा, स्टूडेंट्स आर कम्प्लीटली अलाउड टू आस्क देयर क्वेश्चंस। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप पोस्ट कर दें, मैं कोशिश करूँगा, रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगा। अब आ जाते हैं एसे राइटिंग पे। थोड़ा ये जनरल रूल्स थे आपको बताना, वैसे आप सारे खुद जो बड़े प्लेयर्स हैं, CSS के एस्पिरेंट्स हैं, यू पीपल नो वेरी वेल हाउ टू यू नो एक्सप्रेस योरसेल्फ। जस्ट ये है कि मैं थोड़ा सा अपनी सजेशंस जो हैं वो देना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे टूटे फूटे अल्फाज जो हैं वो आपके किसी तरीके से काम आ जाएँ। तो बेटा, सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, आपका चॉइस ऑफ एसे मैटर करता है कि आपने कौन सा एसे चूज़ करना है, आपने कौन सा एसे जो है वो लिखना है। देखें, 10 टॉपिक्स होते हैं, 10 टॉपिक्स में ट्राई योर लेवल बेस्ट के आप जौन सा एसे, वो एसे चुनें जिस पे आप मैक्सिमम लिख सकें, जिस एसे को आप अंडरस्टैंड करते हों। अब मैंने लोगों को देखा है ऐसे लिख के आते हैं और बाद में फिर ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स में देख रहे होते हैं, यार इस वर्ड का जो है वो क्या मतलब है भैया, आपने ऐसे सिलेक्ट ही क्यों किया जिस ऐसे के बारे में आप लिख भी आए हैं, और बाद में आप डिक्शनरी में कोई वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा था तो उसका आप मीनिंग जो है वो देख रहे हैं। दिस इज़ अ पुअर अप्रोच एंड वन शुड एडवाइज दिस पर्टिकुलर अप्रोच। ठीक हो गया, ऐसे की चॉइस बहुत मैटर करती है। सबसे पहले आप 2-3 ऐसे जो हैं देख लें कि ये आपको ज़रा फ्रेंडली लग रहे हैं, इन पर आप मैक्सिमम जो है इनको आप जो है मैक्सिमम इन पे लिख सकोगे। अब जो 2-3 आपने अपना आपने चूज़ किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, उनमें से फर्दर जो है एक ऐसा ऐसे सिलेक्ट करें जिस पे आपको लगता हो कि ये आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गया है और इस पे आप मैक्सिमम बचा जो है डिस्कशन आप ऐसे पे जो है अपना कर सकते हैं। आप कह लें कि जी आप इस ऐसे पे जो है मैक्सिमम लिख सकते हैं। अब एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, उसने लिटरेचर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, और अगर ऐसे आ जाता है लिटरेचर इज़ द बेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, और वो ये ऐसे सिलेक्ट करके ही स्टार्ट्स राइटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई वुड स्ट्रेट अवे से दिस इज़ अ पुअर चॉइस। तो ऐसे आप वो चुने जो आपको मुकम्मल समझ में आए। स्टेटमेंट में देखें, आप लोग डेमोक्रेसी से स्टार्ट हुआ शुरू हो जाते हैं, जी डेमोक्रेसी पे लिखना है, दिस इज़ अ पुअर अप्रोच। बात यह है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है उस स्टेटमेंट के अंदर फॉर गॉड से काइंडली उसे अपना उस पर गौर कर लें कि वो पूछ आपसे क्या रहा है। अब आप जब समझ जाएंगे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट जो है क्या है, तो तभी आप जो है ना ईज़िली आप उस ऐसे को जो है टैकल कर सकते हैं। मैं अगर कह दूं ये तो रॉन्ग नहीं होगा, अभी लोग कलम रखते हैं, 2-4 सेंटेंसेस लिखते हैं, 45% लोग ऐसे में फ़ेल हो जाते हैं। वैसे तो 90% लोग ऐसे में फ़ेल होते हैं ऐसे के पेपर में, 45% उनमें से अभी स्टार्ट ही लेते हैं तो वो फ़ेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देयर चॉइस ऑफ ऐसे जो है उनका चॉइस ऑफ ऐसे जो है वो ठीक नहीं होता, वो रॉन्ग ऐसे सिलेक्ट करते हैं अपने लिए। ठीक हो गया, ये चॉइस ऑफ ऐसे पे बेटा डिस्कशन हो गई। अभी किसी ने पूछा जी थीसिस स्टेटमेंट क्या कैसे बनानी चाहिए, मैं तो इस पे भी अपना हैरान होता हूँ कि जी बेवकूफ़ बने होते हैं लोग जब मेरे पास आते हैं कि जी थीसिस स्टेटमेंट क्या। भाई थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसा बैलेंस सेंटेंस है जिसमें आप अपना लाइन ऑफ एक्शन बताने जा रहे हो कि मैं इस वे में इस तरीके से इस ऐसे को, ये मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इस तरीके से मैं ऐसे को डिस्कस करने जा रहा हूँ, मेरा फ्यूचर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऐसे में ये है। नॉर्मली देखा गया है कि मैं बेटा आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, ये इंग्लिश सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में आप बैठने नहीं जा रहे, ना ही ये ब्रिटेन है कि गोरे की तरह आप जाके एंड पे सिविल सर्विस दें, सिविल अपना थीसिस स्टेटमेंट दें, सॉरी
मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपसे पूछा गया फौरन उधर बताएं, इधर उधर की हांकने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर की हांकने की मैं फिर कह रहा हूँ ज़रूरत नहीं है, जो आपसे पूछा गया है फौरन उसका उधर रिप्लाई करें, इधर उधर की बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर उधर की बात ना करें। देर इज़ नो नीड टू बीट अबाउट द बुश, देर इज़ नो नीड टू गो इररेलेवेंट, इररेलेवेंट आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर तो नॉर्मली आपके जो है इंट्रोडक्शन में ही अपना डिसाइड कर लेता है कि आपको उसने फेल करना है या पास करना है, तो इंट्रोडक्शन में राइट अवे आप बता दें जी कि आपका क्या थीसिस स्टेटमेंट है, आप किस तरह उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो है फिर उसके बाद साफ ज़ाहिर है बेटा हम जाके बॉडी पैराग्राफ्स में बात करते हैं। ठीक हो गया, बॉडी पैराग्राफ्स के बाद जाके साफ ज़ाहिर आपका अपना कंक्लूजन होता है। अब ऐसे दो तरह के हैं मेरे मुताबिक, वैसे तो ऐसे जी प्रॉब्लमेटिक है, डिस्क्रिप्टिव है, नैरेटिव है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, प्रोवर्बियल एसेज होते हैं। CSS के एसेज को अगर डिवाइड किया जाए, कैटेगराइज किया जाए, तो मैं दो तरीकों से जो है अपना डिवाइड करूँगा, वो इस तरह के प्रॉब्लमेटिक ऐसे है जिसमें आपका इंट्रोडक्शन है, कॉजेज हैं, इम्पैक्ट्स हैं, रेमिडीज है या रेमिडियल मेजर्स, वे फॉरवर्ड है आपका, और दूसरा मैं उसको डिवाइड करूंगा जनरल ऐसे, उसी में प्रोवर्बियल भी आ जाएगा, आर्गुमेंटेटिव भी आ जाएगा, अगर कोई करंट टॉपिक पे कोई ऐसे लिख रहा है तो वो भी आ जाएगा। पहले अब मैं बताऊंगा तरीका आपको जो है अपना प्रॉब्लमेटिक ऐसे को जो है वो आपने कैसे डिस्कस करना है। थीसिस स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक ऐसे कोई भी होगा, ज़्यादातर प्रॉब्लमेटिक ऐसे जो आते हैं वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिलेटेड टू पाकिस्तान आते हैं। तो बेटा जब आप लोग क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगते हैं, तो आप वेग ऐसे बस सोच रहे होते हैं, यार किस चीज़ पर सोचूं, कहाँ से आइडियाज ना। तो ब्रदर जब आप प्रॉब्लमेटिक ऐसे कोई भी प्रॉब्लम पाकिस्तान से रिलेटेड लिखने लगे हैं, तो आप सोचें, मैं आपको 6-7-8 फैक्टर्स बता देता हूँ, ये फैक्टर्स आप लिख लें अगर आप लोग नोट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स पे फिर बात करके इनको डिस्कस करेंगे, इन्हीं को एक्सप्लॉइट करेंगे और इन्हीं को हम आगे लेकर जाएंगे। दो प्रॉब्लमेटिक एसेज होंगे, उनके देखेंगे कि कॉजेज हमारे से कैसे निकलते हैं। ठीक हो गया, पहला फैक्टर आप गवर्नमेंट जहन में रखें, दूसरा आप पार्लियामेंट रखें, तीसरा आप जुडिशरी रखें, चौथा आप मीडिया रखें, पाँचवा आप इकॉनमी रखें बच्चों, छठा आप नेचुरल रिसोर्सेज रखें, सातवां आप कॉमन मैन रखें, आठवां आप कस्टम एंड ट्रेडिशंस रखें, आठ मेरा ख्याल है काफ़ी हैं। अब अगर हम इन मिसाल के तौर पर जी मैं अब एग्ज़ाम में बैठा हूँ और मेरे एग्ज़ाम में जो है ऐसे आ गया है अपना जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान, सिंपल सी बात करते हैं, मुझे इधर उधर की बातें ज़्यादा करनी नहीं आती, देसी सा मैं बंदा हूँ, सादा बातें करूँगा, आपके समझ आ जाएँ तो काइंडली जो है उनसे फ़ायदा उठा लीजिएगा, वरना कहिएगा कोई नालायक बंदे की बात सुनी थी, वो टॉक सुनी थी, चली गई। खैर, अब आ गया जी जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान। अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, हम कॉजेज जो हैं जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्टर्स मैंने आपको जहन में बता दिया, आपने ये फैक्टर्स रखने हैं। पहला फैक्टर था गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट किस तरह आपको लगता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को या जेंडर इनइक्वालिटी को पाकिस्तान में जो है अपना कर्टेल करने में जो है अपना नाकाम जो है अपना रही है, ठीक है। फिर आप देखें ना कि हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज नहीं है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना एग्जेक्टिव का काम है, गवर्नमेंट ही है ना, तो फिर आप एक उधर से कॉज निकाल लें कि जी पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, ठीक है। इसके अलावा आप कह दें कि अपना वीक गवर्नमेंट पॉलिसीज टू टैकल द इशू ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, दूसरा मैंने आपको बताया था आप पार्लियामेंट कर लें, दूसरा काज आप जनरेट करें कि जी पार्लियामेंट की तरफ चले जाएं, आप देखें जो लॉ मेकिंग बॉडी आपकी पार्लियामेंट, आप कहें लेस से ऑफ वुमन इन डिसीशन मेकिंग, यानी लो रिप्रेजेंटेशन। तो डिसकनेक्ट हो गया था, जैसा नेट की सूरत हाल है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि जब आप जो है अपना
कॉजेज जनरेट कर रहे होंगे. हम अभी दूसरे फैक्टर पर पहुंचे थे, यानी फैक्टर्स टू बी कैप्ट इन माइंड वाइल जनरेटिंग आइडियाज़ या वाइल क्रिएटिंग कॉजेज, जो मैं आपको बता रहा था. तो अपना अब तीसरे फैक्टर की तरफ अगर आप आ जाते हैं, तो तीसरे फैक्टर में अपना मैंने आपको बताया था जो है जुडिशरी. अब जेंडर इनइक्वालिटी आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर जुडिशरी या जुडिशियल फोर्स जब आप जाएंगे और सोचेंगे तो देखें ना कि हमारे मुल्क में हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फ्लॉज हैं ना, तो आप डिलेड जस्टिस को कॉज बना सकते हो. आप कह सकते हो फ्लॉज इन जुडिशियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, और आप कह दें कि अपना रेड टेप इज़ इन जुडिशरी जो है, आप कह सकते हो. ठीक हो गया. इसी तरह अगर आप चले जाओगे, फिर अगला फैक्टर मैंने आपको बताया था इकोनॉमी का, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. फिर आप इकोनॉमी की तरफ जाएंगे तो आप सोचें ना जी कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वुमन की जो है अपना मैन के ऊपर, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा रहे. तो इस तरह प्रॉब्लमेटिक ऐसे को आप लेकर चलेंगे आप. फिर इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं, कॉजेज हमने यहाँ से जनरेट कर लिए. फिर आप जाएंगे इफ़ेक्ट्स की तरफ, माशरे की तरफ नज़र दौड़ाएंगे, अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, अपने जहन पर जोर डालेंगे कि जी इसके पॉसिबल इफ़ेक्ट्स फिर क्या हो रहे हैं. या तो फिर ये हो कि जो आपने कॉजेज निकाले, कॉजेज में से भी इफ़ेक्ट्स निकलेंगे. जो आपके कॉजेज थे, जब वो वजह वजूहत बनी है, तो उनसे कुछ इफ़ेक्ट्स तो निकल रहे होंगे ना. फिर आप सोचेंगे, इफ़ेक्ट्स देखेंगे, उसके बाद जो आपने कॉजेज इंट्रोड्यूस कराए थे, उसके बाद जो है आप उन्हीं कॉजेज का अगर सोल्यूशन दे दें, या दो चार और भी कोई अच्छे सजेशन आपके जहन में, रेमेडीज वे फॉरवर्ड आ रहा है, वो लिख दें. इस तरह आप ले जाएंगे अपने प्रॉब्लमेटिक ऐसे को. इसके बाद अगर हम आप आ जाते हैं जनरल ऐसे की तरफ, तो किसी ने ये पूछा था कि आउटलाइन कैसे बनानी है. ये जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थोड़ी सी बातें अभी मैंने आपको बताई हैं, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आप करेंगे, आइडियाज़ जब आपके पास आ जाएंगे, तो इन्हीं आइडियाज़ को लेकर आप आउटलाइन बनाओगे ना. अब आ जाते हैं जनरल आर्गुमेंटेटिव या प्रोवर्बियल ऐसे की तरफ. ठीक हो गया. मिसाल के तौर पर ऐसे आ गया है जी कि अपना नेवर जो है, ऐसे अगर आपका आ गया है नेवर 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 गिव अप आ गया है, या ऐसे आपका आ गया है When life throws you lemon, make lemonade, या ऐसे आपका आ गया punctuality is the virtue of board, तो बेटा इधर उधर की आप बात ना करें. अब general ऐसे में मैं अगर इसका introduction आपको बताऊँ, तो introduction में तीन चीज़ें आप discuss करते हैं. मैं journalism का student होते हुए अपने students को भी हमने ये सिखाया है, general ऐसे का जो introduction है उसके तीन हिस्से होते हैं. एक बेटा what part होता है, एक why part होता है, एक how part होता है. इंट्रोडक्शन जनरल ऐसे की, आर्गुमेंटेटिव ऐसे, प्रोवर्बल ऐसे की बात कर रहा हूँ. व्हाट पार्ट में यू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट पार्ट के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आप उसका जवाब देते हो, व्हाट पार्ट में आप अपना थीसिस स्टेटमेंट देते हो, व्हाट पार्ट में आप बताते हो कि अपना व्हाट पार्ट में आप बताते हो कि मेरा लाइन ऑफ एक्शन क्या है, मैंने इस टॉपिक को क्या समझा है. वाई पार्ट में आप उस जो अपना आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया होता है उसे मज़ीद आप इलेबोरेट करते हो, और वाई पॉइंट में आप बताते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने अगर ए समझा है तो क्यों समझा है. यानी यू गिव रीजंस, यू ट्राई टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, यू ट्राई टू सपोर्ट योर टॉपिक, योर choice of essay, your point of view with rational and logical arguments. उसके बाद आते हैं how part में. How part में ऊपर जितनी भी आपने discussion की होती है, you try to make an impact in how part, कि जो भी बात ऊपर मैंने की है वो सही है. तो अब अगर आ जाए नेवर 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 गिव अप आ जाए, या व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन मेक लेमोनेड आ जाए, तो आप उस अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, तो हाउ टू स्टार्ट.
अब हम इस तरह तो नहीं कर सकते स्टार्ट के जी अपना डांसिंग अराउंड द फायर इज नॉट अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। अब अगर हम ऐसे ले लेते हैं नेवर 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 गिव अप फॉर एग्जांपल, इसका स्टार्ट तो आप इसी तरह करेंगे ना कि मैन एक्सपीरियंसेस डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस इन हिज लाइफ, ठीक है। फिर आप कहेंगे समटाइम्स द सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ आर फेवरेबल फॉर हिम, ऑन फ्यू ओकेजंस ही हैज़ टू कम अक्रॉस डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ। फिर आप कहेंगे समटाइम्स पीपल लूज देयर हर्ट व्हेन डिफिकल्टीज नॉक एट देयर डोर। फिर आप कहेंगे इट इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन। अब आपका थीसिस स्टेटमेंट इधर आएगा, आप कहेंगे whenever adversities या whenever man faces adversities in his life he should try his level best to tackle them courageously, man should not give up at the face of difficulties in his life। तो इस तरह आप डायरेक्ट अपने टॉपिक को हिट करेंगे ना कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसमें मैंने इसको क्या समझा है और मैं किस वे में इसको लेकर चल रहा हूँ, ये व्हाट पार्ट हो गया। फिर आप अपना वाई पार्ट डिस्कस करेंगे, वाई पार्ट में आप बताएं कि भाई रीजंस देना कि भाई दुनिया में बहुत सारे अजीम लोग गुजरे हैं, उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आई थी, उन्होंने उन डिफ़िकल्टीज को अच्छे तरीके से टैकल किया, आज हिस्ट्री में उनके नाम लिखे हुए हैं, लोग उन्हें याद रखे हुए हैं और पीपल उन्हें फॉलो करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। वाई पार्ट में फिर आप ये बताएंगे जी बहुत सारे ऐसे लोग भी थे या हैं जिनकी लाइफ में जब अपना एडवर्सिटीज़ आती हैं, जब उनको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है तो वो दे लूज़ हार्ट, दे गिव अप। फिर ऐसे लोगों को कोई कोट नहीं करता, फॉलो नहीं करता, ऐसे लोगों को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। ये आपका वाई पार्ट हो गया। हाउ पार्ट में आप बता दें कि जी इंसान ने अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो लाइफ को ये ना समझे कि लाइफ एक बेड ऑफ रोजेज है, रादर इट बिकम्स अ बेड ऑफ थॉर्न समटाइम्स। तो इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हालात कभी उसके फेवर में होते हैं, कभी उसके अगेंस्ट होते हैं, तो उसको लाइफ में जो है लड़ना है। तो जब भी वो लाइफ के अंदर अपने जो है हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ का उसे सामना हो तो उनसे वो लड़े, ये ना हो जी चुराए अपना, देर इज़ नो नीड टू गिव अप, देर इज़ नो नीड टू लूज हार्ट, वन शुड टैकल द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ इन एन एफिशिएंट मैनर, इन एन एफिशिएंट वे। तो इस तरह आप अपने बेटा इंट्रोडक्शन को बिल्ड करेंगे ना। अब एक ऐसे आ जाता है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, आप वो बताने बैठ जाएंगे कि जी ये जो अपना ये कोटेशन है ये उठाई गई है हेमलेट के ऐसे अपना शेक्सपियर का जो प्ले है हेमलेट, प्रिंस हेमलेट, ये वहाँ से उठाई गई है और दीज आर द वर्ड्स ऑफ प्रिंस हेमलेट। आप कोई रेफरेंस टू द क्वेश्चन वाला पेपर, जो रेफरेंस टू द क्वेश्चन, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करने नहीं जा रहे, आप ऐसे लिखने जा रहे हैं बच्चे। आप बताएंगे कि ये जो शेक्सपियर ने 16th सेंचुरी में कहा था कि फ्रेलिटी दाइने में जुम्मन, क्या आप इसे एग्री करते हो डिसएग्री करते हो? मैं तो स्ट्रेट अवे बताऊंगा कि जी वमन औरत जो है वो फ्रेल क्रीचर नहीं है। दुनिया को अगर ऑब्जर्व करें, इधर उधर देखें, देर आर मैनी ग्रेट वुमन एंड देर आर मैनी एक्सीलेंट वुमन हु हैव डन वट एवर दे वॉन्टेड टू डू इन देयर लाइफ। तो अगर फिर मैं बैकग्राउंड की तरफ जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इंट्रोडक्शन में नहीं डिस्कस करेंगे। अगर प्रिंस हैमलेट जो कि कैरेक्टर है हैमलेट प्ले का, अगर हैमलेट की जो अपना बिलव्ड है ओफीलिया, इफ़ शी डज नॉट कम टू टर्म्स विच हैमलेट वांट्स, और अगर हैमलेट की मदर जो है वो हैमलेट के फादर को बिट्रे करती है, हैमलेट के साथ बिट्रेल हुआ है, हैमलेट के फादर को जो है जो किंग होता है डेनमार्क का उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसमें हैमलेट की जो मदर है वो भी इन्वॉल्व होती है, और वो जो क्लॉडियस है जो नेक्स्ट किंग बनता है वो कत्ल करने वाला शख्स है, उसके साथ हैमलेट की मदर शादी कर लेती है। अगर दो औरतें हैमलेट के मुताबिक ठीक हैं तो पूरी दुनिया की औरतें वीक और फ्रेल तो नहीं हो सकती, अनफेथफुल तो नहीं हो सकती, जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो इंट्रोडक्शन हो गया बेटा। फिर बच्चे कहते हैं जी जनरल ऐसे के अंदर हम आइडियाज़ कैसे जनरेट करें,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। आपका नॉलेज, अभी मैं नहीं कह रहा आपका अपना नॉलेज भी आपके काम आएगा, ठीक हो गया, आप अपना नॉलेज भी जो है बेस्ट यूटिलाइज करेंगे। कुछ फैक्टर्स आपको बता देता हूँ, जब आप जनरल ऐसे, कोटेशनल ऐसे, प्रोवर्बियल ऐसे लिखने जा रहे हो तो ये फैक्टर्स भी जहन में रख लीजिएगा। आपका अपना नॉलेज भी है, उससे भी मैं आपको रोकने जो है अपना नहीं जा रहा। नंबर वन, पहला हिस्ट्री रखें, दूसरा नॉलेज रखें, तीसरा लिटरेचर रखें, चौथा साइंस रखें, पांचवा जो है अपना राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस रखें, छठा जो है अपना करंट सिनेरियो रखें, सातवां जो है अपना फोर्सेस ऑफ गुड एंड ईवल रखें, आठवां मॉरल वैल्यूज़ रखें। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अब नेवर 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 गिव अप को हम लेके जा रहे हैं। जी आपने कहा, जी आपने हमें बता दिया कि हमने एक एफिशिएंट सा इंट्रोडक्शन तो लिख लिया। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आगे बॉडी पैराग्राफ को कैसे आगे जाके, यानी ये जो इसको सपोर्ट करना है किस तरह करें, हमारे तो जहन में कोई आइडियाज़ ही नहीं आ रहे। तो आप इस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री की तरफ चले जाएं, पैराग्राफ नंबर वन का आइडिया लें। आप कहें जी कि तारीख में बहुत से अजीम लोग गुजरे हैं जिनकी लाइफ में मुश्किलात आई थी, उन्होंने उन मुश्किलात को अच्छे तरीके से टैकल किया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने स्ट्रगल की, ऑड्स ऑफ लाइफ को फेस किया, वो कामयाब हो गए। तो लिहाजा आम इंसान की लाइफ में भी जब ऐसे हालात आएँ, देर इज़ नो नीड टू गिव अप। नंबर टू, मैंने आपको बताया था अपना नॉलेज, नेवर 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 गिव अप टॉपिक है, दोबारा बता रहा हूँ, नॉलेज की तरफ जा रहे हैं। आप कहें जी कि एक नॉलेजेबल लाइफ, एक नॉलेजेबल बंदे की लाइफ में जब इश्यूज, एक नॉलेजेबल बंदे की लाइफ में जब इश्यूज आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जब टेस्टिंग टाइम्स आते हैं, जब ट्रायल्स आते हैं उसकी लाइफ के अंदर, तो क्योंकि वो नॉलेजेबल होता है, ही हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द इश्यूज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, तो वो मल्टी टास्किंग का माहिर होता है, उसकी सोच मल्टी डायरेक्शनल होती है, वो मुख्तलिफ एंगल से सोचता है। तो फिर आप कहेंगे ना कि जब उसकी लाइफ में भी मुश्किलात आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो ही डज नॉट लूज अप, ही डज नॉट गिव अप, ही डज नॉट लीव हिज स्ट्रगल इनकम्प्लीट। तो वह हालात से लड़ता है, सिचुएशन अपनी फेवर में ले आता है। आप इससे दो पैराग्राफ निकाल लगते हैं, ऑन द कंट्रेरी आप कहें कि एक इलिटरेट बंदा है, यूनिडायरेक्शनल होता है, उसकी लाइफ में जब मुश्किलात आती, एक्सेप्शन हो सकती हैं, कई इलिटरेट बड़े समझदार भी होते हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, तो जनरली तो देखा गया है जब उसकी लाइफ में मुश्किलात आती हैं तो अपना वो हो सकता है कि जैसे एक नॉलेजेबल आदमी अपना अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को टैकल करे, ये बंदा अपना ना टैकल कर सके क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, वो यूनिडायरेक्शनल है, हो सकता है कि वो हिम्मत हार दे। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया तीसरा फैक्टर, जो मैंने आपको बताया वो बताया लिटरेचर। फिर आप कहेंगे जो लिटरेचर हमारे पास सीना ब सीना पहुँचा है, ठीक है, जितने भी लिटरेरी राइटर्स गुजरे हैं, अजीम राइटर्स गुजरे हैं, उन्होंने हिम्मत की, स्ट्रगल की, लिखा तो ये हमारे तक पहुँचा है ना। कितनी दफ़ा मुख्तलिफ नेशंस के जो लिटरेचर है उसे मसक कर दिया गया, सिविल वार टाइप सिचुएशन जो है पैदा हो गई, तो ये जो लोगों ने फिर उन मुश्किलात का सामना किया, लिटरेचर हमारे तक पहुँचा है ना। इससे एक और पैराग्राफ भी हुजूर वाला आप जनरेट कर सकते हैं कि जी जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें यही लेसन मिलता है, जब हम ग्रेट राइटर्स को पढ़ते हैं, जब हम अरिस्टोटल को पढ़ते हैं, जब हम प्लेटो को पढ़ते हैं, हमें यही लेसन मिलता है कि इंसान की लाइफ में जब पूरी दुनिया इंसान के खिलाफ खड़ी हो जाए तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखें बेटा, आपने लिटरेचर पढ़ा तो आपको ये जो कोटेशन आप यहाँ लगाएंगे, लिखेंगे कि आपको लिटरेचर पढ़ा, अर्नेस्ट हेमिंगवे को पढ़ा आपने, तो बताया ना कि अपना मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट ही कैन नेवर बी डिफीटेड। तो इसी तरह बच्चों मैंने आपको नेक्स्ट बताया साइंस का, फिर आप बताएं मुख्तलिफ साइंटिस्ट, इंसान मैंस जर्नी फ्रॉम स्टोन एज टू द मोस्ट फैसिलिटेटेड लाइफ ऑफ मॉडर्न एरा 21st century। तो ये जो इंसान का सफ़र है इसमें साइंटिस्ट का बड़ा रोल रहा है। साइंटिस्ट ने जो मुख्तलिफ इन्वेंशंस की हैं, ये डिस्कवरीज जो हुई हैं, क्या उन्होंने आसानी से कर लिया?
एक एडिसन को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, एक 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 इलेक्ट्रिक बल्ब, मैं तो कहूँगा इलेक्ट्रिक बल्ब क्या टू इल्यूमिनेट द होल वर्ल्ड, देर इज यू नो देर इज लाइट एवरीवेयर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट. फिर मैंने आपको कहा था ग्रेट पर्सनैलिटीज, ये जो ग्रेट पर्सनैलिटीज वाला आपको फैक्टर बताया है ये बहुत जगह काम आएगा. इसी ग्रेट पर्सनैलिटीज में से चार पांच आप पैराग्राफ निकाल सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं. नेवर 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 गिव अप है, उठाएं हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात, उठाएं जब आपने व्हेन ही स्टार्टेड प्रीचिंग इस्लाम इवन हिज ओन नियर एंड डियर वंस लेफ्ट हिम, ही वॉज डेजर्टेड, पीपल पॉइंटेड फिंगर्स एट हिम, देयर वॉज नो वन टू स्टैंड बिसाइड हिम Accept his beloved wife, but he continued. आपको मक्का तक छोड़ना पड़ा. अब ग्रेट पर्सनैलिटी किस तरफ और हूँ, नेल्सन मंडेला की बात करें, 27, 25 या 29 मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखा हुआ है कि अपना इतने साल जेल में वो पढ़ा रहा है, लेकिन अपने अपना अपना उसने जो अपना रोड था वो राइट पाथ पे वो चलता रहा. एट द एंड ऑफ द डे उस अपना राइट्स मिले ब्लैक को, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ही ऑल्सो गॉट नोबल पीस प्राइज. इसी तरह अपना समीना बेग की बात करें कि एक वुमन हो के उसने माउंट एवरेस्ट को जो है अपना माउंट एवरेस्ट के समिट तक वो पहुंची, सर किया. और एक लड़की के लिए एक ऐसे माशरे के अंदर जहाँ वुमन को जो है करटेल किया जाता है, दे आर कैप्ट विद इन द फोर वॉल्स ऑफ हाउसेज एंड पीपल आर जनरली ऑफ द व्यू दैट that women are inferior to men in Pakistan and all over the world, even Britain jaise azim maasre mein bhi aaj bhi jo hai auraton ko 10% wages jo hain wo kam di jati hain. To ek aise ek aisi duniya ke andar usne sar kiya to usko mushkilat ka samna nahi karna pada hoga. Never 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 give up. Isi tarah jaise maine aapko frailty dynamics women का बताया कि आप स्टांस लेंगे कि जी वुमन फ्रेल क्रीचर नहीं है, तो जब इसके आप आइडियाज जनरेट करने लगें तो उसी तरह हिस्ट्री पर चले जाएं. आप बताएं कि तारीख का जब मुताला करते हैं कि तो सारे अजीम मर्द थे, औरतें नहीं थीं. नॉलेज की तरफ चले जाएं, आप कहें जी एक नॉलेजेबल आदमी समझता है कि किसी भी क्रीचर वुमन है मैन है अपॉर्चुनिटीज़ मिले एक्सेल कर सकते हैं. इसी तरह आप चले जाएं अपना जो मैंने आपको अगला फैक्टर बताया था अपना लिटरेचर की तरफ चले जाएं. राइटर सारे आदमी तो नहीं थे, वुमन राइटर्स वर्जीनिया वुल्फ, जे के रोलिंग पूरी दुनिया जानती है. नासिर जमाल को तो पता नहीं, कोई जानता ही नहीं जानता, मर्द है, लेकिन जे के रोलिंग को खैर पूरी दुनिया जानती है. तो इस तरह बेटा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, लोग पूछ रहे हैं आउटलाइन कैसे बनाएंगे. मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ ये जो मैंने आपको तरीके बताए ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के, तो मकसद ये है कि ये आइडियाज़ जब आप जनरेट कर लेंगे आप इफेक्टिव आउटलाइन कैसे, ये आपके पास हेडिंग्स आ जाएंगी, फिर आप इनसे टॉपिक सेंटेंसेस लिखेंगे और उन्हीं टॉपिक सेंटेंसेस को जाके आपने आउटलाइन में लिखना है. आउटलाइन क्या है, प्रॉब्लमेटिक ऐसे कि आउटलाइन की तरफ आ जाएं, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन की या थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग देंगे, उसके सामने अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके पास कॉजेज़ की हेडिंग देंगे, उसके नीचे कॉजेज आ जाएंगे, फिर अपना इम्पैक्ट्स की, उसके नीचे इम्पैक्ट्स आ जाएंगे. लेकिन एक बात आपको जी, नेट के इशू की वजह से बार बार जो है डिस्टर्बेंस हो रही है, आई फील सॉरी फॉर दैट. तो इस तरह जो है बता रहा था रेमेडीज़ के सेंटेंसेस लिखेंगे आपकी आउटलाइन, और ये जो आपको जनरल ऐसे के बारे में मैंने बताया आपके पास आइडियाज़ आ जाएंगे. जब मैंने आपको बता दिए पॉइंट्स आ जाए, इन पॉइंट्स को साफ ज़रा अपने सेंटेंसेस की शेप में ले आना है, तो उसकी भी आउटलाइन बना लेनी है, वो तो और ज़्यादा आसान है. आउटलाइन बन रही होगी, सबसे पहले आप जो है अपनी थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग दें, आगे लिखें जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट पर बच्चा, उसके नीचे जस्ट एक हेडिंग है सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी आपके 18 तक पैराग्राफ्स चले जाते हैं, तो उन पैराग्राफ्स के टॉपिक सेंटेंसेस बाहर लिखें, आपकी इफेक्टिव आउटलाइन बन गई. हाँ, एक चीज़ हम छोड़ रहे थे कि प्रॉब्लमेटिक एसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है. ये प्रॉब्लमेटिक एसे में भी जो चीज़ वो आपसे पूछ रहा है तो आप फौरन बताएं. अब ऐसे आया था 2010 में, मैंने 53 स्कोर लिया उस ऐसे में. ऐसे था पाकिस्तान इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज बट पुअर इन देयर मैनेजमेंट. तो जस्ट नोट माय फर्स्ट सेंटेंस जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज एज वेल. तो मैंने लिखा कि एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ नेसेसरी फॉर द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री.
अब जब जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ आया तो मैंने डायरेक्ट लिखा, इधर उधर की बातें मैंने नहीं कि, मैंने लिखा कि डांसिंग अराउंड द फायर इज नॉट इज नॉट अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, वन हैज टू लुक बीनीथ द सर्फेस टू 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 फाइंड आउट रियल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, टू एड्रेस द प्रॉब्लम इन अ रियल वे. ये अंग्रेज बनने की आप कोशिश ना करें, सादा लिखिए, टॉपिक को समझें, जो आपसे पूछा गया है वो बताएं. जेंडर इक्वालिटी एज अ मिथ है तो मैंने लिखा देर इज नो डाउट जेंडर इक्वालिटी एज अ मिथ बिकॉज वुमन आर नॉट इक्वल टू मैन इन पाकिस्तान. कई लोगों ने कहा दिया आपने तो इंटरनेशनली डिस्कस किया, आपने तो ये कहा, भाई मैं पाकिस्तान के सिविल सर्विस के एग्जाम में बैठा हुआ था, ठीक है, और मैंने जो जिस माशरे को ऑब्जर्व किया था मैंने उसी तरह टैकल करना था, उधर ले जाना था, आगे बॉडी पैराग्राफ्स में जाके मैं एक इंटरनेशनल भी लिख देता कि क्या होता है क्या नहीं होता. तो डायरेक्ट जो बात आपसे पूछी गई है फॉर गॉड सेक आप वो करें, फिर आगे मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स उसको आगे ले जाएं. बाकी आइडियाज़ अगर आप अपने रिच करना चाहते हैं बेटा, न्यूज़पेपर डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें, इसके अलावा बुक्स हैं, अपना बर्टन रसल के अनपॉपुलर एसेज हैं, कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस है वो पढ़ें, वर्ल्ड हिस्ट्री पे बेटा कोई बुक पढ़ लें. हिस्ट्री जो है इंसान के रिच को, इंसान के जो आइडियाज़ को, इट एनरिचेज अ पर्सनस आइडियाज़. हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो आपको जो है ना आपके आइडियाज़ रिच होते हैं. बेकन एसेज वो पढ़ें, ऑल्डस हक्सली के कुछ एसेज हैं अगर आपको मिल जाए, लिबर्टी इक्वलिटी मशीनरी द डेजर्ट एजुकेशन ऑफ एन एम्फीबियन, जिसमें से 2002 की प्रेसी भी आई हुई है. तो ये चीज़ें बेटा आप पढ़ें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी बंदा सीएसएस करना चाहे तो कर सकता है. मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं उनके तो पता नहीं, उनके जहनों में हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं, हज़ारों क्वेश्चन का एक ही बेटा आंसर है कि जो बात आपसे, बीबी राव की बुक पढ़ लें, वर्ल्ड हिस्ट्री पे किसी ने सवाल पूछा, तो अपना जो भी आपसे पूछा गया है, जो भी आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो जो भी आपसे पूछा गया है आप उसका डायरेक्ट आंसर करें. हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें. और मैं आपको बेस्ट वे बताऊंगा मैं आपको, बेटा लिखें. इंग्लिश दो ही तरीकों से ठीक हो सकती है, आप इंग्लिश रीड करें, ठीक है, रीड न्यूज़पेपर करें, बुक्स पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, अल्केमिस्ट पढ़ें, प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ें, ठीक हो गया. इसके अलावा बेटा लिखें, और लिख के चेक कराएं, किसी सिंसेयर आदमी से चेक करें जो आपके मिस्टेक्स आपको पॉइंट आउट करके दे सके. क्योंकि जब तक आपको मिस्टेक्स पॉइंट आउट करके नहीं दी, कहीं शी नहीं लिखना था, ही लिखना था, इज नहीं लिखता था, आर लिखना था, जो आपको बताया इसकी जगह आर लिखना था, तभी आपकी लैंग्वेज जो है उसमें डेवलपमेंट आएगी, उसमें चेंज आएगा. लिखें, चेक कराएं और मेहनत करें. क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने से बेहतर है आप मेहनत करें. अब अगर आप में से कुछ लोग जो है अपना क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो क्वेश्चंस कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली मेरे जो सेलफोन की बैटरी है वो भी जो है वो धोखा दे रही है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि लाइट भी जो है वो डिम हो गई है. अगर आपके जहनों में कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बता दें, मैं उनके आंसर्स दिए देता हूँ. आप अपने क्वेश्चंस लिख दें, मैं कोशिश करूँगा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं उनका आंसर जो है कर दूँ. वैसे तो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे जो रेलिवेंट थे अपना, मैंने उनको कोशिश की है अपना आंसर करने की. एहसन मलिक साहब कह रहे हैं कि मैं लिटरेचर से फैमिलियर नहीं हूँ. बेटा अगर आप फैमिलियर नहीं है तो आप पढ़ें, आई बिलीव यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है. इफ़ यू आर नॉट फैमिलियर आई सजेस्ट यू टू रीड पोलो कोलोज नावल अल्केमिस्ट आप पढ़ें, और इसी तरह फिर मुश्किल से मुश्किल बुक्स की तरफ जाते रहें. और किसी ने पूछा जी प्रॉब्लमेटिक ऐसे को कंक्लूड कैसे करना है, अच्छा क्वेश्चन है. प्रॉब्लमेटिक हो या जनरल हो, कंक्लूजन में साफ ज़रा जितनी भी पीछे आपने
डिस्कशन की होती है अपना ओवरऑल उस डिस्कशन को जाके आप सम अप करते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं, इंट्रोडक्शन में एक्सपेंड कर रहे होते हैं अपना, कंक्लूजन में हम अपनी डिस्कशन को जो है वो कंक्लूड कर रहे होते हैं। आप प्रॉब्लमेटिक ऐसे को इसी तरह कंक्लूड करेंगे जी, पीछे जितनी डिस्कशन हुई है अपना जो है उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो सिचुएशन जो है अलार्मिंग है, बेटर है कि इसको ख़त्म करने के लिए, इसको रूट आउट करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए, इससे टू निप दिस इविल इन द बड जो है वो कोई पॉजिटिव स्टेप्स उठाए जाएं, उसमें सिविल सोसाइटी का रोल है या जिस जिसका रोल बनता है वो प्ले कर सकते हैं। फिर आप एंड पे जाके वेकअप कॉल दें जी, अगर अभी भी कोई रोल प्ले नहीं किया जा सकता है ना बेटर वे, तो फिर नुकसान ही होगा। यस, इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप टेस्ट इन लिटरेचर, क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर है ऐसे, और लिटरेचर आप पढ़ेंगे सोशल साइंस से, बेटा देखें लिटरेचर पढ़ते हैं आइडियाज़ आते हैं, जो आप पढ़ते हो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे चला जाता है, जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हो तो वो फिर आपकी एक्टिव मेमोरी में आ जाता है, उसकी हेल्प से आप लिख सकते हो। ग्रामर बुक टू द पॉइंट, इंग्लिश ग्रामर बुक लें, आसान सी चीज़ करें, आपने ग्रामर में PhD थोड़ी करनी है, रन एंड मार्टन में 3 महीने ज़ाया ना करें, मुझे रूल्स आने चाहिए। नहीं, कॉजेज और सॉल्यूशंस इंट्रोडक्शन में जो है डिस्कस ना करें, एक आधा कोई करना है कर दें, इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा होना चाहिए, वेल एलैबोरेटेड हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपका आपकी आउटलाइन देखता है, अगर तो उसको अच्छी लगी है वो आगे बढ़ेगा, आपका इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, इंट्रोडक्शन में अगर गलतियाँ नहीं है तो फिर आगे 3-4-5 पैराग्राफ्स तो आपके पढ़ेगा ना, उसके बाद वो आगे एंड ऑफ ऐसे की तरफ जाएगा, ऐसे पढ़ा जाता है, इस तरह नहीं है, 10-15 मिनट आपको वो देता है। एडिक्वेट लेंथ ऑफ अ पैराग्राफ, अ पैराग्राफ शुड कंप्राइज 8-9 सेंटेंसेस माई ब्रदर, और जो लॉन्ग ऐसे है उसका इंट्रोडक्शन एटलीस्ट इट शुड कंप्राइज, इट शुड कंसिस्ट ऑफ 25 सेंटेंसेस, एंड द कंक्लूजन शुड बी ऑफ यू नो 15-18 सेंटेंसेस। वोकैबलरी का भी रोल है, आप वोकैबलरी को क्रैम तो नहीं कर सकते, वोकैबलरी विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होती है, रीडिंग करें डेवलप हो जाएगी। ऐसे में कोई डायग्राम आप मेंशन ना करें। लेकर जा सकते हैं, पॉलिटिकली भी लेकर जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा था नेवर 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 गिव अप, तो कई पॉलिटिशियंस भी थे उनकी लाइफ में मुश्किलात आई, कई पॉलिटिशियंस ऐसे भी होते हैं जो मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। आगे चलते हैं। यस ब्रदर, आई एम मुर्तजा बुट्टी इन लाहौर, एंड यू कैन रिलीजियस रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन ख्याल कीजिएगा उसमें कोई सेक्टेरियनिज्म का कोई टच ना आ जाए प्लीज। नहीं नहीं, प्रोवर्बियल और जनरल ऐसे में कॉजेस क्या करने आएंगे, तो प्रॉब्लमेटिक ऐसे का। बेटा सिनोनिम एंटोनिम, अब बात ऐसे पे होनी थी, आपके सवाल है मैं ज़रूर, ये एक बंदा पूछ रहा है जी प्रॉब्लमेटिक या जनरल ऐसे करें, जोन सो आपको बेस्ट आता है वो करें, दोनों आपको आने चाहिए। कोई वोकैबलरी का बार बार पूछ रहे हैं, GRE को आपने पढ़ना है, वो साफ ज़ाहिर है आपको कॉम्प्रिहेंशन में और ट्रांसलेशन में और प्रेसी में काम आएगी, आपके पास वोकैबलरी होगी तो चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और आप लिखेंगे। और इसके अलावा उसको क्रैम ना कीजिएगा, CSS की तैयारी भी आपको जो है यू विल फॉरगेट हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSS, तो आप ये करेंगे कि डेली GRE की एक लिस्ट उससे अच्छे तरीके से पढ़ा करें, और पढ़ना का तरीका क्या है कि रूट वर्ड देखें, नाउन है वर्ब है क्या, आगे उसका यूजेज देखें, सेंटेंस दिया होता है, 2-3 दफ़ा उसको पढ़ें, आगे चले जाएं, एक लिस्ट डेली करें, 3-4 रिविजन्स जब 50 लिस्ट हैं उनको लगाएंगे तो आपको सारी याद हो जाएगी। ऐसे कि लेंथ के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं, बेटा देखें प्रॉब्लमेटिक ऐसे में एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होगा,
कम से कम 8-9 causes होने चाहिए, 7-8 effects होने चाहिए, 7-8 remedies होनी चाहिए, और एक आपका conclusion का paragraph होगा. अगर हम proverbial और general essay की तरफ आ जाएं, एक आपका introductory paragraph हो बचे, उसके अलावा 18 के करीब आपके supporting paragraphs हों, supporting arguments पे जो based होंगे, और एक आपका conclusion होगा. ये अलीना साहिबा फरमा रही हैं कि जी ये ऐसे आया था लाइव विदाउट अ कंट्रोवर्सी, या वो टॉपिक भी खैर ऊपर चला गया, कमेंट्स आ रहे हैं. तो मुझे तो यही समझ आया ना कि भी लाइफ में कन्फ्लिक्ट तो होता है, अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है. व्हाई नॉट एक्सेप्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. वो कहते हैं लेट अस लर्न टू डिसएग्री इन एन एग्रीएबल मैनर. अगर आपके आइडियाज़ व्यूज़ किसी से नहीं मिल रहे, तो ये तो नहीं है कि आप अपना जो है अपना फिर उससे लड़ना स्टार्ट कर दें, वायलेंस की तरफ चले जाएं. यू ट्राई टू स्नैच समवंस राइट्स, सो इट बेटर कि कन्फर्मिज्म की तरफ चले जाएं. यू हैव योर ओन यू नो अपना व्यूज एंड लेट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर ओन ओपिनियन अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. तो इधर हम अपने इस लेक्चर को जो है एंड करते हैं. होप के आपके काम आ जाए, और जो है अपना विश यू ऑल यू नो एस्पिरेंट्स ऑफ सीएसएस बेस्ट ऑफ लक.